सो ही गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में है एंड साथ ही साथ काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी इसके देखने को मिल रहे हैं, काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ये जो प्रॉब्लम है जिनकी फेस पे एक्ने पिंपल्स वगैरह हैं, उनके लिए तो काफी बेस्ट वीडियो होने वाला है। ये एक प्रोडक्ट से आपकी जो फेस में जितनी भी प्रॉब्लम है एक्ने पिंपल्स जैसी, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाने वाली है। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करना है एंड जो एक्ने न्यू बिल्डअप हो रहे उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सो काफी अच्छा प्रोडक्ट का आज रिव्यू आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो को फुल वॉच करिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप सबके साथ फुल डिटेल में शेयर करूंगी इसकी प्राइस, क्वांटिटी वर्थ इट है या नहीं है, इसे आपको कैसे यूज करना है एंड कितने दिनों तक यूज करना है, फुल डिटेल में मैं आप सबके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोडक्ट का मैंने 1.5 मंथ यूज कर रहा है, उसके बाद ही इसका रिव्यू मैं आप सबके साथ शेयर करें क्योंकि मुझे सबसे पहले देखना था ये प्रोडक्ट कैसा वर्क करता है, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो मैंने इसे यूज करा है एंड मैंने पर्सनली इसे यूज नहीं किया है, मैंने इसे मेरे भाई को यूज करने दिया था एंड उसके फेस पे इसकी क्या रिजल्ट्स थे वो आज मैं आपसे पहले शेयर करूंगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूं कि आज मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ प्लिक्स का एक्टिव एक्ने कंट्रोल फेस सीरम के बारे में। सो ये जो है प्लिक्स का जो सीरम है काफी ज्यादा ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा होगा, आपका यूट्यूब इंस्टा हर जगह पे इसका एड देखने को मिल रहा होगा। सो एड देख के ही मैंने इसके काफी सारे रिव्यूज भी सुने थे एंड एड भी देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ऑर्डर कर लिया जाए एंड ऑर्डर करके देखते हैं इसके जो रिजल्ट है क्या इतना अच्छा ही दे पाता है। सो मेरे भाई के फेस पे भी काफी सारे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम थी तो मैंने उसके लिए ये प्रोडक्ट ऑर्डर करा था एंड ये प्रोडक्ट मैंने 2 मंथ्स पहले ऑर्डर कर लिया था एंड उसके बाद मैं अपने भाई को इसे कंटिन्यूअसली यूज करने को बोली क्योंकि मुझे देखना था कि रिजल्ट्स कैसे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे थे कि किसी किसी को ये प्रोडक्ट सूट नहीं हुआ एंड कुछ को था कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, तो मुझे देखना था कि ये प्रोडक्ट रियली में वर्थ इट है या नहीं है। सो इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग कुछ इस टाइप के लैवेंडर कलर का कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, ये आउटर पैकेजिंग है उसकी एंड यहाँ पे फुल डिटेल इसमें मेंशन है, जो सीरम का नेम वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन है, इसे कैसे यूज करना है यहाँ पे फुल प्रोसेस भी है एंड इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज है वो भी यहाँ पे फुल मेंशन है, काफी अच्छा है। फुल डिटेल आपको इस बॉक्स में मेंशन है, इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन है। सो आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है एंड मैं आपको दिखा दूं इसकी इनर पैकेजिंग। सो इनर पैकेजिंग भी आप देख ही सकते हो, काफी अच्छा क्यूट सा लैवेंडर कलर का ग्लास बॉटल है एंड काफी मोटे ग्लास से बना एंड ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर से आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं आपके फेस पे, काफी अच्छा बॉटल है। सो इसमें आपको यहाँ पे वीडियो में ही शो हो रहा है ये हाफ बॉटल से भी ज्यादा इसमें यूज कर लिया गया प्रोडक्ट को एंड अभी इतना सा प्रोडक्ट बचा है। सो मैंने सोचा रिव्यू करना है, इसलिए जस्ट मैंने इतना सा प्रोडक्ट इसमें बचा के रखा है ताकि मैं आप सबके साथ रिव्यू शेयर कर पाऊँ। सो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। सो ये है प्लिक्स जामुन एक्टिव एक्ने कंट्रोल फेस सीरम। सो ये जो सीरम है इसमें आपको सैलिसिक एसिड, जिंक एंड जामुन जूस मिलेगा जो कि आपकी फेस के लिए काफी अच्छा है। सो ये सीरम क्लेम करते हैं कि आपके फेस से जितने भी एक्ने हैं एंड ऑयल है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये जो सीरम है ओनली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए एंड ऑल स्किन टाइप वाले से यूज नहीं कर सकते, जिनको एक्ने पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है उनके लिए ये सीरम है एंड इसकी क्वांटिटी आपको 30 ml मिल जाएगी। प्राइस है 600 rupees। जैसे कि मैंने आपको बताया सैलिसिक एसिड है, जिंक है एंड जामुन जूस है। तो सैलिसिक एसिड आपकी फेस से जितने भी एक्ने है उसको रिमूव करता है, आपकी जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करता है एंड आपके पोर्स को क्लीन करता है जिससे कि आपकी जो स्किन है वो काफी क्लियर शो होती है। सो पिंपल्स के लिए सैलिसिक एसिड काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि काफी अच्छे से रिड्यूस करता है पिंपल्स, एक्ने जो भी प्रॉब्लम है। जिंक आपके फेस से जितने भी ब्रेकआउट्स वगैरह है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके नोज वगैरह पे आपने देखा होगा ब्लैक हिट, व्हाइट हिट्स की प्रॉब्लम होती है उसको भी रिड्यूस करता है एंड उसके साथ आपके फेस पे अगर एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है ना तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड आपके फेस को एक मैट फिनिश देता है एंड आपका जो फेस है वो स्मूथ भी करता है। सो जिंक भी काफी अच्छा आपकी स्किन के लिए है। तो जामुन जो इसमें है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो की आपके फेस में जितने भी इचिंग वगैरह उसको कंट्रोल करता है एंड उसके साथ आपकी जो न्यू एक्ने एंड पिंपल्स जो बिल्ड अप हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपके फेस को क्लियर करने में भी हेल्प करता है। सो ये तीनों इंग्रेडिएंट आपके फेस के लिए काफी अच्छा है। सो इसमें ये तीन इंग्रेडिएंट है एंड द स्टार ऑफ इंग्रेडिएंट बोला जाए तो सैलिसिक एसिड है एंड
चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हैं। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी यहाँ पे साइड पे कहीं शो कर दूंगी कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। एंड बात कर लेते हैं इसकी प्राइस, क्वांटिटी और आपको इसे कैसे यूज करना है। सो इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो क्वांटिटी आपको 30 ml की मिल जाएगी। प्राइस की बात करें तो प्राइस 600 rupees है। एंड आपको इसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। सो क्लीन करने के बाद आपको अपने फेस पे टोनिंग करना है एंड उसके बाद सीरम, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं जो भी आप यूज करते हो। देन उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है एंड ये जो सीरम है आप इसे डे टाइम एंड नाइट टाइम दोनों टाइम यूज कर सकते हो। अगर आप इसे डे टाइम यूज कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना काफी ज्यादा जरूरी है। रही बात आपको इसमें कितनी सेल्फ लाइफ मिलती है, तो सेल्फ लाइफ आपको 24 months की मिल जाती है, जो कि काफी अच्छे से आपका जो प्रोडक्ट है वो मोस्ट ऑफ फिनिश हो ही जाने वाला है। ये बता दो कि आपको इसको कितने क्वांटिटी में अपने फेस पे अप्लाई करना है। सो आपको 2 से 3 drops अपने फेस पे अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं कि मेरा पर्सनल रिव्यू क्या है इस प्रोडक्ट को लेके। सो ये प्रोडक्ट को मैंने मेरे भाई के लिए मंगाया था क्योंकि उसके फेस पे काफी ज्यादा एक्ने एंड पिंपल्स थे एंड वो 18+ है। सो जिनकी भी 18+ एज है वो इसे यूज कर सकते हैं, उसके नीचे आप इसे यूज नहीं कर सकते। सो 18 के अबव वाले इसे यूज कर सकते हैं। एंड दोनों चिक्स पे एंड हेड पे दोनों पे ही काफी सारे पिंपल्स थे एंड धीरे धीरे से पिंपल्स रिड्यूस होने लगे एंड जो स्किन का जो टेक्स्चर है वो काफी ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट होने लगा। एंड इसके रिजल्ट आपको 1 week में ही शो हो जाएंगे थोड़े थोड़े से एंड काफी अच्छा है। सो अगर आप भी आपके फेस पे ज्यादा एक्ने वगैरह है, अगर आपने बहुत सारे क्रीम्स वगैरह ट्राई किया है कोई भी क्रीम्स कुछ वर्क नहीं करे, तो आप एक बार ये वाला सीरम ट्राई कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसका फेस पहले से काफी ज्यादा क्लियर भी हो गया एंड जो एक्ने पिंपल्स थे वो भी उसके कम हो रहे थे एंड जो न्यू एक्ने वगैरह बिल्डअप होते हैं ना वो भी ये रिड्यूस करने में काफी अच्छा हेल्प करता है। सो मुझे भी कभी कभार एक आध पिंपल्स या एक्ने वगैरह होता है, सो मैं इसे 1 से 2 दिन अप्लाई कर लेती हूँ ना तो मेरे जो फेस पे एक्ने पिंपल्स है वो भी मुझे काफी अच्छे से रिड्यूस होते दिखता है एंड वो तो इसे यूज कर रहा है अभी कंटिन्यूअसली एंड उसके फेस पे काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है एंड उसको तो ये सीरम काफी अच्छा है एंड इसमें से काफी अच्छी स्मेल आती है जो कि आपको बिल्कुल इरिटेट नहीं करने वाली है। एंड अगर आप भी परेशान हो पिंपल्स एंड एक्ने से, आपके फेस पे आपने काफी सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं और कोई भी प्रोडक्ट आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तब आप ये सीरम ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपका डॉक्टर वगैरह से कोई चेकअप या ट्रीटमेंट चल रहा है तब आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके इसे यूज करें। एंड अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना तो उससे पहले आपको इसका पैच टेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। विदाउट पैच टेस्ट आप इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर थोड़ा भी इचिंग वगैरह हो रही है तो आप ये प्रोडक्ट को स्टॉप कर देना। अगर आपका डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है तब आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये प्रोडक्ट आपको सूट नहीं हो रहा है तो आप इसे स्टॉप कर दीजिएगा। मेरे फेस पे तो ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना मेरे भाई के फेस पे हुआ। सो अगर आप भी सोच रहे हो प्लिक्स का प्रोडक्ट ट्राई करने का, सो आप ये एक्टिव एक्ने कंट्रोल वाला फेस सीरम ट्राई कर सकते हैं जिनके भी एक्ने प्रोन स्किन है एंड पिंपल्स वगैरह के प्रॉब्लम से परेशान है, क्योंकि आपको भी इसका रिजल्ट मिलेगा। सो जिनके फेस पे कम एक्ने वगैरह है तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनका फेस क्लियर भी हो सकता है क्योंकि इसके जो रिजल्ट है काफी अच्छे हैं। आपके फेस पे जितने भी पिंपल्स वगैरह उसको जो बिल्डअप हो रहे हैं उसको रिड्यूस इजीली कर देता है एंड जो पुराने एक्ने वगैरह होते हैं उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो ट्राई कर सकते हैं एंड अगर आपके फेस पे काफी ज्यादा एक्ने वगैरह तो भी आप इसे ट्राई करके एक बार देख सकते हो, शायद ये आपके फेस पे भी अच्छा सा रिजल्ट दे जैसे कि इसने मेरे भाई के फेस पे दिया। सो आपको भी दे सकता है। सो अगर आप भी सोच रहे हो प्लिक्स का ये सीरम ट्राई करने को तो आप ट्राई कर सकते हैं। पाएगा तो इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। ये था आज का मेरा छोटा सा रिव्यू, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। सो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।